तो हेलो गाइस, हॉटस्टार पे एक नया कोरियन ड्रामा आया है जिसका नाम है रेड स्वैन। कुछ दिन पहले ही मैंने इस कोरियन ड्रामा के बारे में कहा था। फिलहाल इसका बस दो ही एपिसोड रिलीज हुआ है। उन दो एपिसोड को देखने के बाद मुझे कैसा लगा ड्रामा, क्या आपको देखना चाहिए, चलो डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले तो इस तरह का ड्रामा आपने पहले ऑलरेडी देखा होगा, बट इसमें क्या अलग है, बहुत कुछ है। इसका स्टोरी फॉलो करता है एक लेडी को जो की बहुत ज्यादा अमीर है एंड उसने एक ऑर्गेनाइजेशन से एक बच्ची को बचाया है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसने उस बच्ची को बचाया है वो ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो एक दिन अचानक से उसके ऊपर हमला होता है, मतलब जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है वो उस लेडी को खत्म करना चाहता है। बट उस सीन को देखने के बाद यही बोलूंगा कि सीरीज फुल ऑफ एक्शन से भरा हुआ है एंड आगे के एपिसोड में भी आपको फुल एक्शन देखने को मिल सकता है। तो उसके बाद सीरीज में मेल लीड का एंट्री होता है जो कि आगे जाके उस लेडी का बॉडीगार्ड बनता है। तो उसके बाद उन दोनों के लाइफ में क्या क्या होता है, दोनों के बीच कैसे प्यार होता है एंड उस लड़की के लाइफ में और क्या क्या मिस्ट्री है, यही सब देखने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। सीरीज में जो सस्पेंस एंड मिस्ट्री देखने मिलेगा वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा सीरीज का एंड ऑब्वियसली बॉडीगार्ड वाला सीन है सीरीज में तो एक्शन तो भरपूर देखने मिलेगा एंड साथ में बॉडीगार्ड के साथ लव स्टोरी। बहुत लोगों को बॉडीगार्ड वाला कॉन्सेप्ट देख के मजा आता है, मतलब बॉडीगार्ड के साथ लव स्टोरी, मुझे तो मजा आता है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक और कोरियन ड्रामा रिलीज हुआ था ब्लड फ्री, उस सीरीज में भी बॉडीगार्ड वाला कॉन्सेप्ट है बट उस सीरीज का स्टोरी बहुत ज्यादा अलग है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपने सीरीज को नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी सीरीज में आपको मिस्ट्री, थ्रिल, रोमांस, एक्शन हर एक चीज देखने मिलेगा। तो अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट देखना पसंद है तो अभी का अभी देख लेना सीरीज को, क्योंकि सिर्फ दो एपिसोड देख के ही मुझे सीरीज इंटरेस्टिंग लगा। मतलब आप शुरुआत से ही एंगेज हो जाओगे सीरीज से एंड दोनों मेन लीड ने जिस तरह से एक्ट किया है वो देख के आपको मजा आ जाएगा सीरीज देख के। तो गाइज फिलहाल तो मैंने सिर्फ दो ही एपिसोड देखा है, उस बेसिस पे मैंने छोटा सा रिव्यू दिया है। बाकी जब फुल सीरीज देख लूंगा उसके बाद एक और रिव्यू आ जाएगा, मतलब फुल रिव्यू आ जाएगा। तो सीरीज को देखने के लिए आपको टोटल 10 एपिसोड देखना होगा। सीरीज आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगा बट फिलहाल इसका सिर्फ दो ही एपिसोड रिलीज हुआ है एंड सीरीज में आपको किस सीन देखने को मिल सकता है तो देख लेना, क्या फैमिली के साथ देख सकते हो या नहीं। सो या गाइस, अगर आपने ऑलरेडी देखा है सीरीज को, मतलब दो एपिसोड को, तो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद से प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज गाइस जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, प्लीज डू सपोर्ट मी। सो या गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।